खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां 24 अगस्त को स्कूल बस संचालक हरपाल को भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान कप्तान विपिन ताड़ा ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। मृतक हरपाल की पत्नी रोशनी ने बताया कि उसके पति को बस स्वामी ने अनफिट बस चलाने को दी थी, जिसकी वे बार बार शिकायत करते रहते थे, लेकिन बस स्वामी ने गाड़ी को ठीक नहीं कराया, जिस कारण 24 अगस्त को बच्चों को घर छोड़ते हुए कचहरी पुल पर बस के ब्रेक फेल हो गए। उसके पति ने बच्चों को उतार कर दूसरे वाहन से घर भिजवा दिया, लेकिन वे भीड़ से अपनी जान नहीं बचा पाए। आरोप है कि पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। पुलिस बाद में उनके पति को बस समेत थाने लेकर आई और बस में ही बैठा कर रखा। आरोप है कि बस के दरवाजे और खिड़कियां तक बंद थी। इस दौरान भी पुलिस ने अस्पताल में इलाज कराने तक की जहमत नहीं उठाई। शाम 7 बजे वे खुद थाने पहुंची, तब बस से अपने पति को निकाला और जिला अस्पताल में दिखाया। रोशनी ने डॉक्टरों पर भी ठीक से सही इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल मामला दलित समाज से जुड़ा होने के कारण भीम आर्मी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। भीम आर्मी के नेताओं की बस स्वामी अनुराग से बहस भी हुई। आरोप था कि बस स्वामी अपनी गाड़ी छुड़वा कर ले गया, लेकिन बस चालक को जरा भी नहीं पूछा, न ही इलाज कराया, जिसको लेकर दलित समाज के लोगों ने गुरुवार की देर रात तक हंगामा किया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि परिजनों की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भाई रोडवेज की उस पर चलाता था स्कूल की रेम्बो स्कूल की, तो कल सुबह गया था उधर से आते बच्चे छोड़ते, ये घटना घटी तो दो चार गाड़ी भी इसके नीचे आई, पीछे भागे गाड़ी ब्रेक फेल हो गए, एक्टिवा पीछे दो एक्टिवा खड़ी थी, तो फिर पब्लिक ने मारपीट करी अच्छी तरह, तो वहाँ पुलिस आ गई, पुलिस ने थाने में ले गाड़ी को, तो उसे बस में बैठा रखा, मालिक का जो नौकर था वो नीचे बैठ रहा, बेचारा बस में बंद रखा। तो यहाँ मोहल्ले में पता लगा, मुझे मैं गया था, एक आदमी ने कहा भाई वो कर तेरा पड़ोसी पुलिस में है, मुझे घरवाली भेज जा, उसका लड़का गया रो गई, तो उसे लाए घर ले आए, वही ऐसा आया पड़ा पड़ा, 3-4 घंटे के बाद 3-4 घंटे 7:30 बजे में आ गए यहाँ, फिर 9:30 बजे करीब से यहाँ, फिर अस्पताल ले गए, तो पहले तो उसमें सरकारी अस्पताल में ले गए, उन्होंने मना कर दी, फिर समझ क्या उन्होंने देख कर मना कर दी, तो रात को उसकी 12 बजे की मौत हो गई। जी, इसमें 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि एक स्कूल बस से कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस पर जो वहाँ मौजूद लोग थे उनकी कुछ कहासुनी आतापाई हुई ड्राइवर के साथ में, और ड्राइवर की रात्रि में उसी दिन मृत्यु हो गई। इस पर जो परिवारजन हैं उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाते हुए इसमें तहरीर दी है पुलिस को। जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, और जो शव है उसका पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात अंतिम संस्कार किया गया है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस विधिक कार्यवाही करेगी। परिजनों क्या आरोप लगाए? ये परिजनों का आरोप है कि जो मारपीट हुई उससे और उसके बाद जो इलाज में लापरवाही रही, जो वाहन कुछ गड़बड़ी थी वाहन में भी, इन सब लोगों को जो उन्होंने अपनी तहरीर में अभियुक्त बनाया है लापरवाही और घटना कारित करने के लिए, तो इसमें उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी थी, जिस पर कि मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे जांच करके साक्ष्यों के आधार पर जो भी दोष होगा इनका उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।